हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की जो खास रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है वेज बर्गर। इसको कोई कोई आलू टिक्की बर्गर भी बोलते हैं। चलिए तो हम बहुत ही आसानी से बना डालते हैं रेस्टोरेंट जैसे वेज बर्गर। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो आलू और थोड़ा सा गाजर को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। फिर इसमें मटर को बॉईल करके आधा कप मटर इसमें डालना है। फिर सबको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो देखिए, हमने मैश कर लिया है। अभी इसमें एक एक करके प्याज, धनिया के पत्ते आधा चम्मच, गरम मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर इसमें करीब 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमें पैटीज को बना लेना है। इसके लिए हमने कुछ आलू का जो मिक्सचर है उसको हाथों से ऐसे शेप में बना लेना है। मैंने यहाँ पे 2 पैटीज रेडी कर लिए हैं। इसके बाद बर्गर सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच वेज मेयोनीज लिया है। अभी इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे और 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देना है और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए, हमारा बर्गर सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद एक बोल में हमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, 2 चम्मच मैदा आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देना है। फिर इसमें आधा कप पानी डाल देना है और अच्छा सा ठीक सा बैटर बना लेना है। याद रखिएगा, बैटर को हमें पतला नहीं करना है। अभी एक एक टिक्की को हमें बैटर में डालना है और अच्छी तरह से बैटर को स्प्रेड कर लेना है। फिर टिक्की को हमें ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और टिक्की को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फिर से हमें इस पैटीज को बैटर में डालना है और जैसे हमने पहले डाला था, बैटर को अच्छी तरह से स्प्रेड करके ब्रेड क्रम्स में डाल के दोबारा इसका अच्छी से कोटिंग कर लेना है। तो देखिए, हमारे जो पैटीज है वो करीब बनके तैयार है। मैंने ऐसे करके 2 पैटीज बना लिए हैं। अभी एक पैन में हमने थोड़ा ज्यादा तेल लिया है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है पैटीज को। पैटीज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि हमारे जो पैटीज है वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगे। देखिए, हमारे पैटीज बनके तैयार है। अभी एक पैन में हमें थोड़ा सा बटर को ग्रीस कर लेना है। मैंने यहाँ पे करीब 1 चम्मच बटर डाला है। अभी ब्रेड के बन को हमें थोड़ी देर के लिए सेक लेना है। इसके चारों तरफ
अच्छी तरह से बटर को चारों तरफ बटर को अच्छी तरह से लगा लेना है। तो हमारे बंस जो है वो रेडी है। अभी फाइनल स्टेप जो है प्लेटिंग की बारी, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नीचे का बन रखना है, फिर उसके ऊपर 2 से 3 लेट्यूस रखना है, ये ऑप्शनल है, अगर लेट्यूस घर में हो तो ही यूज़ करें। उसके ऊपर हमें एक पेटिस को रख देना है, फिर उसके ऊपर 2 से 3 स्लाइसेस टमेटोज, ऑनियन, जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक चीज स्प्रे डाल देंगे, और अभी जो ऊपर का बन का हिस्सा है ब्रेड का, उसके ऊपर थोड़ा सा बर्गर सॉस लगा लेंगे। बर्गर सॉस थोड़ा ज्यादा लगाइएगा और ऊपर से इसको ढक देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो देखिए बनके तैयार है हमारी आज की रेसिपी, वेज बर्गर और आलू टिक्की बर्गर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा मेरे दूसरे रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।